हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन शिक्षा लाइंस। शिक्षा लाइंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे करंट अफेयर्स एमसीक्यू वाले सेशन की, जो कि डेली सुबह 5 बजे होता है। और इस सेशन की है वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और जो एग्जाम्स की दृष्टिकोण से ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। और वर्तमान समय में देखा जाए तो जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनका है वो पैटर्न लगभग चेंज हो चुका है। तो उस पैटर्न के हिसाब से हम कौन सा कंटेंट पढ़े जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा, और पढ़ने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट का है वो तरीका कैसा है, उसको डिलीवर कैसे करते हैं, उसकी अप्रोचेस कैसी है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम अगर वही अप्रोच एग्जाम्स में रहती है तो बेटर रहता है। क्योंकि अब जैसे पहले एग्जाम्स में ये होता था कि वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेते थे या ऊपर से पढ़ लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब है वो फैक्ट के बेस पे क्वेश्चंस ना आकर है वो कंसेप्ट पे आते हैं। तो उस हिसाब से ये सेशन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। इस सेशन को बेसिकली हमने ऐसे डिजाइन किया कि जिससे आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो भी आप सीख सकते हैं, क्वेश्चंस में से कैसे कीवर्ड निकालना है, जब आप प्रैक्टिस करें मॉडल पेपर के थ्रू या कुछ भी करें तो उसमें वो क्वेश्चंस का लेवल कैसे रखना है, क्वेश्चंस का कैसे टैकल करना है, क्वेश्चंस को जब आप एक ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं जो कि सही विकल्प होता है, उसके अलावा भी जितने भी बाकी ऑप्शंस बचते हैं उनको आप किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन जैसे पी वाई क्यू सीरीज के तहत हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें हम एक ऑप्शन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बाकी ऑप्शंस के वो डिटेल निकाल लेनी चाहिए, जिससे कि ये होता है कि हो सकता है उन्हीं ऑप्शंस में से है वो क्वेश्चंस वापस पुट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। एक प्रकार से हम देख लेते हैं कि इस हम एमसीक्यू सेशन पे है वो पैटर्न कैसे रखते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो हम लोग है वो होम असाइनमेंट देते हैं, ठीक है। मान लो आज सेशन हुआ तो सेशन के एंड में आपको होम असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और जो कल का सेशन होगा उस सेशन के पहले हम आपको होम असाइनमेंट सॉल्व करवाते हैं। होम असाइनमेंट पे ये इतना नहीं होता कि आपको सिर्फ सही आंसर का पता दिया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ये बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन डिटेल में दे देगी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और इस क्वेश्चन के अलावा जितने भी तीन ऑप्शन और बचते हैं उनका भी है वो साथ में फैक्ट बताए जाते हैं, ठीक है। उनके भी साथ में फैक्ट बताए जा सकते हैं, हो सकता है उनमें से कोई और क्वेश्चन और लेवल पर है वो पुट हो सकता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। कीवर्ड के बाद में जैसे आप सॉल्यूशन मान लीजिए यहाँ इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। तो इसके अलावा जब बी के ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल आपके पास आ जाए तो बाकी ऑप्शन को भी आप सॉल्व करें और उनसे संबंधित जितने भी डिटेल्स हैं उनको भी साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें। जब ये डिटेल सॉल्व हो जाएगी तो ये बेसिकली करंट अफेयर का सेशन बात की जाती है। बिल्कुल लिखा जरूर है कि करंट अफेयर एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड है, लेकिन इसमें करंट अफेयर के साथ साथ में आपका जीएस को भी कवर किया जाता है। मान लीजिए कोई इफेक्ट ऐसा आ जाए, ठीक है, मान लीजिए पॉलिटी यहाँ पे आ जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 44, ठीक है, अभी वर्तमान में कहा लागू, जैसे मान लीजिए एग्जांपल गोवा में, लेकिन इसमें हो सकता है कि कुछ अदर इन्फॉर्मेशन तो वो जीएस से करेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन डिटेल होगी वो जीएस से टच करेगी और करंट का हो जाएगा किस जगह पर वो चीज लागू है, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से सॉल्व करना और यही तरीका एग्जाम्स में रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की उससे पहले प्रैक्टिस भी ऐसी होनी चाहिए कि केवल अब वो ट्रेंड है वो पहले का नहीं रहा, जैसे इस क्वेश्चन का है, ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन दे दिया और जो भी इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड वो दे दी और बाकी ऑप्शंस में भी ये बताया जाएगा कि वो किससे संबंधित चीजें, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन है और इसका भी आंसर दिया गया डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन के आगे ये पुट कर ले कि एक्ट कौन सा है तो हमें एक्ट भी वो बता सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। और सेबी के बारे में भी अलग से बताया जाता है, सेल के बारे में भी अलग से बताया जाता है कि ये भी क्या है, ठीक है, कौन स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, वो चीजें भी यहाँ पे साथ में डिटेल में दी जाती है, इन चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिजिटल इनोवेशन है पेपल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, इसकी डिटेल होगी, बाकी की भी है वो डिटेल साथ में दे दी जाती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, एग्जाम पैटर्न तो पहले क्या होता था वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन। अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड पे आते हैं, ठीक है, आपको एक ऑप्शन तक सीमित नहीं रहता है, उनके आगे भी जाना होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अब है वो कंसेप्ट पे बेस्ड, ठीक है, कंसेप्ट आपको केवल फैक्ट नहीं पढ़ने हैं, किसी भी अगर क्वेश्चन हो या जो टाइटल या टॉपिक जितना भी आप पढ़े उनसे संबंधित है वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पुट हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं मूल कर्तव्य वाले टॉपिक से, ठीक है, मूल कर्तव्य वाला टॉपिक ये है वो टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन भी हमको सीमित पता है कि कहाँ से कौन सा बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे जो शिक्षा से संबंधित मूल कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया, ठीक है, वो जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट 2002 के थे, ठीक है, और ऑप्शन में यहाँ पे अदर भी जो अमेंडमेंट है उनसे संबंधित भी दे सकता है, तो उन अमेंडमेंट का भी है वो ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत के मूल संविधान, भारत के, इसको इरेज कर लेते हैं एक मिनट, भारत के मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, ठीक है, मूल कर्तव्य थे, ये क्वेश्चन है मान लीजिए एग्जाम आगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है 10, ठीक है, बी ऑप्शन 11, सी 12, डी 39, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैंने एक बात बोला था कि कीवर्ड ध्यान रखना है, ठीक है, अपने को है वो कीवर्ड ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा है भारत के मूल संविधान में, ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात मूल संविधान की, ठीक है, जल्दबाजी में वहाँ पे पता नहीं रहती चीज़ें, एग्जाम्स का इतना प्रेशर रहता है, तो मूल संविधान लिखा है नहीं, मूल संविधान, ठीक है, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था नहीं था, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन इसका सही आंसर तो हो जाएगा नॉट, क्यों, जल्दबाजी में हम 11 लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ के थे तो वो 10 थे,
ठीक है, और 11 जोड़ा गया तो 86th अमेंडमेंट के तहत, लेकिन ये मूल संविधान में नहीं थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है वो कीवर्ड ढूंढना जरूरी है। तो बेसिकली जो ये आपके लिए एमसीक्यू पैटर्न वाला करंट अफेयर अलग से डिजाइन इसलिए किया गया क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाला हमारा करंट अफेयर का सेशन 6 बजे होता है, लेकिन 5 बजे वाला सेशन इसलिए रखा गया है कि आपको इसमें करंट अफेयर के साथ साथ में जीएस का भी पैटर्न पता चल जाए, एग्जाम्स में है क्वेश्चन भी कैसे टैकल करने, इस चीज़ का भी है वो ध्यान में रखना होगा। तो ये होपफुली सेशन इसी पे बेस्ड था, तो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी वैल्यूबल सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और टेलीग्राम पे और ट्विटर पे हमारा वो डेली पोस्ट होता है करंट अफेयर सेशन का, और डेली फैक्ट के भी हमारे कुछ पोस्टेज जाती है, और कुछ पोस्टेज है वो हिंदी व्याकरण संबंधी जितनी भी है वो पोस्ट यहाँ पे की जाती है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो होपफुली सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, और बाकी आप जितने भी अगर आपको कोई भी सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।